बुधवार को प्रदेश भर में क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह लोगों ने सांता क्लॉज बनकर टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट और गिफ्ट वितरित किए। क्रिसमस के लिए प्रदेश भर के गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहीं इस मौके पर विशेष प्रार्थना सभाओं के माध्यम से ईसा मसीह की शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताया गया। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे के तहत पड़ने वाले कंडाघाट रेलवे स्टेशन पर क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे पर्यटकों ने सांता क्लॉज के साथ खूब मस्ती की। उत्तर रेलवे कंडाघाट के स्टेशन सुपरिटेंडेंट दिनेश शर्मा ने इस उत्सव को लेकर रेलवे स्टेशन कंडाघाट को दुल्हन की तरह सजाया था। कालका शिमला रेलवे मार्ग पर मात्र कंडाघाट रेलवे स्टेशन पर ही इस उत्सव को मनाया गया। रेलवे विभाग कंडाघाट ने लगातार दूसरी बार इस उत्सव को कंडाघाट रेलवे स्टेशन पर मनाया। इस उत्सव को लेकर स्टेशन मास्टर दिनेश शर्मा की अगुवाई में स्थानीय बस स्टैंड पर जाकर स्थानीय लोगों और बसों में सफर कर रहे यात्रियों को भी सांता क्लॉज ने टॉफियां, बिस्कुट और चॉकलेट बांटी। आज हम लोगों ने कंडाघाट स्टेशन पर कालका शिमला सेक्शन जो हेरिटेज है उस पर हमने एक क्रिसमस का फेस्टिवल किया और उसमें हमने एक रेल के कर्मचारी जो ऑफ ड्यूटी था उसको हमने सांता क्लॉज बनाया और सभी टूरिस्टों को हमने बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट देकर उनको उत्साहित किया और सभी टूरिस्टों में बहुत उत्साह देखा गया। जितनी भी ट्रेन कालका से शिमला तक गई और जितनी ट्रेन शिमला से कालका तक गई उनमें सभी पैसेंजरों को हमने वो टॉफी वितरित की और जो हमने सांता क्लॉज बनाया उसके साथ सभी लोगों ने सेल्फी ली। बहुत ज्यादा एक उत्साह लोगों में देखा गया और सेल्फी के लिए पूरी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई। अभी कुल्लू जिला के विभिन्न क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान प्रभु यीशु के प्रवचनों का गुणगान कर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर के क्राइस्ट चर्च में लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह को याद किया। दिल्ली से आए पास्टर शेखर डायनील ने इस दौरान विशेष रूप से शिरकत की। क्राइस्ट चर्च के पास्टर लूक विनोद ने बताया कि पूरे कुल्लू जिला में क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रभु यीशु के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। क्रिसमस जो है प्रभु यीशु मसीह के पहला आगमन संसार में 2019 साल पहले जो मनुष्य जाति के रूप धारण कर संसार में आया और मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने जीवन बिताया और अपने जीवन त्याग देने के लिए वो तैयार हो गया और त्याग दिया, क्रूस पर अपना जान दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर लोगों के बीच में वो डेरा किया और उसके बाद उनके स्वर्गारोहण हुआ। और इस बात को हम कहते हुए और याद करते हुए हम धन्यवाद देते हुए बहुत अच्छा हम मनाते हैं और कुल्लू जिला में भी हम इस बात को लेकर हम मनाते हैं। बहुत लोग आते हैं, इस बात को उनके जीवन में सुनाते हैं। पाप के बोझ से लोग दबे हुए अवस्था में रहते हैं, उनको पाप के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है कर इस संसार में इस बात को हम कहते हैं और अंधकार से ज्योति की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर इस सत्य को हम दर्शाते हुए हम नाटक भी गाने के द्वारा भी लोगों के पास हम पहुंचाते हुए। क्रिसमस के अवसर पर नाहन के आस्था स्पेशल स्कूल में भी दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल में बच्चों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। आयोजकों ने बताया कि आस्था स्पेशल स्कूल में हर त्योहार विशेष बच्चों के साथ धूमधाम से मनाया जाता है ताकि ये बच्चे अपने आप को किसी से कम ना समझे और इन्हें त्योहार की महत्वता के बारे में जानकारी मिल सके। यहाँ आज हमने अपने स्पेशल बच्चों के लिए एक क्रिसमस का आयोजन किया है। हर साल हम क्रिसमस का आयोजन करते हैं इन बच्चों के लिए और ये हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं ये फंक्शन, ताकि हमारे जो बच्चे हैं आपस में मिल बांट के और साथ के साथ हमने अपने सीनियर सिटीजन्स डे के ऐसे भी बुलाए हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सके और अपने आप को किसी से कम ना समझे। और हम आशा मतलब अपने बच्चों के लिए हर फेस्टिवल का आयोजन करते हैं ताकि वो सभी फेस्टिवल का उनको पता रहे। आज यहाँ पे क्रिसमस का आयोजन किया गया है और यहाँ पे सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं और हमारे स्पेशल बच्चे और स्टाफ सारा शामिल है इसमें और ये बच्चों के मनोरंजन के लिए ये जो प्रोग्राम है ताकि बच्चे थोड़ा एंजॉय कर सके। क्रिसमस के मौके पर सोलन में खूब चहल पहल देखने को मिली। सोलन के ऐतिहासिक सेंट स्टीफन चर्च को आकर्षक तरीके से सजाया गया। चर्च में सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया था।
सोलन में क्रिसमस के मौके पर विशेष प्रार्थना सभाओं के माध्यम से ईसा मसीह की शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताया गया। इन प्रार्थना सभाओं में सभी धर्म और जाति के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रार्थना सभा में आए रुचिका ने बताया कि क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन एक दूसरे को उपहार दिए जाते हैं। एंड मैरी क्रिसमस। क्रिसमस का त्यौहार है आज 25 दिसंबर में। इसमें हमारे जो खुदावन यीशु मसीह है, जिसको जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, उनका जन्म हुआ था। वो इस दुनिया में आए थे कि हमारे जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाएं और शांति का संदेश देते हैं। आज हम लोग यहाँ सेंट स्टीफन चर्च में ये बना रहे हैं, बहुत खुशी हो। सेंटा क्लॉज हम लोग बनाते हैं, जिससे कि वो हमको बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं, और हम क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं कि अमन और शांति रहे इस पूरे जहाँ में। और ये मेल मिलाप के लिए मनाया जाता है। इस दिन ये पैदा हुए थे और इन्होंने जीवन दुनिया के लिए बहुत कुछ किया, अपना लहू बहाया और हमारे सारे गुनाहों को माफ करने के लिए पैदा हुए हैं। चर्च के पादरी रेवडी जेम्स ने बताया कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह के शांति अमन के संदेश को सुनाया जाता है। आज का दिन हम मसीह की जन्म दिवस जो मनाते हैं, उसमें हमारे ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि वे प्रार्थना करते हैं कि सारी जगह अमन हो, क्योंकि अमन का राज्य था, इसलिए सब अमन से रहें, सारी जगह शांति हो, ये हमारा संदेश होता है। कल रात को हमारी यहाँ पे प्रार्थना सभा हुई थी, जो कि 12 बजे से 1 बजे तक। आज सवेरे यहाँ जब प्रार्थना सभा 10:30-11 बजे शुरू करी, तो हम प्रार्थना में ये ज़्यादा होता है, गाने गाते हैं, लेकिन जो वचन सुनाते हैं उसमें ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संदेश दिया कि प्रेम दिया और सबकी सहायता करो और लड़ाई झगड़े यानी कि प्रेम से रहो, आपस में मेल मिलाप ज्यादा हो। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर हमीरपुर में भी स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया। हमीरपुर बाजार में पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेंटा डीजे की धुनों पर थिरक रहे बच्चों को गिफ्ट भी बांटे गए। क्रिसमस पर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की आयोजक पूजा डडवालिया ने कहा कि क्रिसमस त्यौहार के उपलक्ष्य में पिछले 6 बरस से यहाँ पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बच्चे खूब जश्न मनाते हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी हमारे यहाँ क्रिसमस का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि सेंटा क्लॉज आप देख ही रहे हैं, जो कि बच्चों को गिफ्ट बांटेंगे और इनके एंटरटेनमेंट का पूरा ही बंदोबस्त किया गया है। मैरी क्रिसमस। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।